हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंस्टाग्राम पोस्ट डालने पर क्या ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आज ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन लाकर बताऊंगा, ठीक है? तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो में जो जो प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको, वो आपको पूरी कंप्लीटली कर लेना है, ठीक है? सबसे पहली जो मैं सिर्फ दो प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड्स, सबसे पहली जो प्रोसेस है आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखेगा अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो आपको वहाँ से इंस्टाग्राम सर्च करके आपको वहाँ से अपना इंस्टाग्राम जो है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम अपडेट नहीं करते ना, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आते हैं, जो आप चाहते हैं जिस ऑप्शन को आप चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो आपको कुछ इशू इसलिए भी आते हैं कि आप इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं करते, ठीक है? तो आपको सिंपली वहाँ पर इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, ठीक है? अपडेट करने के बाद में आपने समझिए कि आपने अपडेट कर लिया, आप यहाँ पर आप ओपन करते हैं, ठीक है? ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, आपने अपडेट कर लिया अपना इंस्टाग्राम जो है, अब आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है, ठीक है? ये प्रोफाइल का आइकॉन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो कॉर्नर पर थ्री लाइंस दिख रही है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपको सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। ये जो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है वो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है सिंपली। उसके बाद में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हेल्प वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखेगा, तो आपको यहाँ पर जाने से पहले आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद में आप जो पोस्ट डालते हैं ना, इंस्टाग्राम पोस्ट डालिए, ठीक है? इंस्टाग्राम पोस्ट डालना नहीं है, एक्चुअल में क्या करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट डालते वक्त आपको जहाँ पर ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? इस तरह से आप जो प्रक्रिया दोहराते हैं पोस्ट डालने में वैसा कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? आपका इसका सॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल 100% आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको फ्रेंड्स पोस्ट नहीं डालना है, आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। सिंपली आपको बैक आने के बाद में आपको फिर से वहीं पर अपने प्रोफाइल के आइकन पर जाना है, और वहाँ पर आपको कॉर्नर पर सबसे ऊपर कॉर्नर पर थ्री लाइन दिखेगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। अब सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हेल्प वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था वो आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन भी दिख जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से जो थ्री ऑप्शन जो है वो खुल जाते हैं, तो आपको जो सबसे जस्ट नीचे वाला जो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम लिखा हुआ ना, इस पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर आप क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद में आप प्रिपेयरिंग बग अ रिपोर्ट, तो ये जो इंस्टाग्राम जो आपको जो बता रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने इंस्टाग्राम पर, क्या बग आ रही है, कौन सा बग आ रहा है, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है इंस्टाग्राम को कर सकते हैं, और अपनी शिकायत दर्ज यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम हेल्प करने की कोशिश करेगा, और कुछ मिनट बाद या कुछ घंटे बाद आपको वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप करना है, ठीक है? बटरफ्लाई एक्सप्लेन व्हाट हैपन और व्हाट्स नॉट वर्किंग, आपका कौन सा ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, क्या इशू आपके इंस्टाग्राम पर आ रहा है, तो आपको उस तरह का मैसेज आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है? जो आप जितने भी डिटेल्स आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिलहाल में जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या टाइप करना है, ठीक है? आपका एड म्यूज़िक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है हेलो इंस्टाग्राम आपको सर्च यहाँ पर आपको हेलो इंस्टाग्राम माय इंस्टाग्राम पोस्ट इज नॉट गेटिंग लिखना है, ठीक है? नॉट गेटिंग द ऑप्शन लिख देना है, ऑप्शन ऑफ म्यूजिक एड, ठीक है? म्यूजिक एड, और प्लीज प्रोवाइड दिस ऑप्शन। इस तरह से आपको यहाँ पर इतना मैसेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नहीं लिखने में आता है तो आप यहाँ पर जो जस्ट मैंने सेम मैसेज जो किया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल आपको क्या रखना है, हेलो इंस्टाग्राम माय इंस्टाग्राम पोस्ट इज नॉट गेटिंग द ऑप्शन ऑफ म्यूजिक एड, प्लीज़ प्रोवाइड दिस ऑप्शन, ठीक है? तो इंस्टाग्राम मेरा जो इंस्टाग्राम पोस्ट डालने पर मेरा जो म्यूजिक ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज़ इसे आप अवेलेबल करवाइए, ठीक है फ्रेंड? तो आपको इस तरह से लिख देना है, हिंदी में नहीं लिखना है फ्रेंड, ठीक है? इस तरह से आपको इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश में ही, क्योंकि जो सोशल मीडिया के जितने भी
प्लेटफॉर्म है वो सारे इंग्लिश में ही ज़्यादा जज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इतना लिखने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर टैग स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, गैलरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गैलरी पर आपको क्लिक करना है। अब गैलरी पर आपको क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था इसके पहले, वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले आना है। स्क्रीनशॉट ले आने के बाद में आपको यहाँ पर जो ऊपर सबसे जस्ट ऊपर सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। फिलहाल जो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मैं सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने सबमिट कर दिया तो वो मेरा जो ऑप्शन आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना कुछ करने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। एक घंटे बाद हो जाएगी या 20 मिनट बाद या कुछ ही मिनट बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, और आपको इंस्टाग्राम से आपको मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप फिर से नहीं हुआ है इतना कुछ करने के बाद भी, तो मैं और भी कुछ रिसर्च करके आपको इसका सॉल्यूशन जो है बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक अब हम, अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें आगे काम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है, हौसला जो मिलता है आगे काम करने के लिए। तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा सकते हैं, आपको अगर इसी तरह हर आने वाली अपडेट जो आपको चाहिए तो आप इसी तरह नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जान सकें कि आप किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।